الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيت فاميلي كيسي ہاں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیر واقع اچھے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی آپ کی دعا سے ٹھیک ہیں ہماری دعا ہے آپ جہاں رہے ہنستے مسکراتے رہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں ہماری صبح کا آغاز ہو چکا ہے ہم کر رہے ہیں سحری کا انتظام आपकी मम्मा और पापा के लिए दुआ कर ले शाब बैठी फैमिली। वाह मेरा बच्चा तो बहुत प्यारा है बैठी फैमिली। आपने दुआ करनी है जन्नत और अकमल के लिए कि अल्लाह पाक इनको जल्द से जल्द सेहत दे दे और अच्छे हो जाए। विनेश का भी गला सही नहीं है, विनेश का भी गला ख़राब है, अभी विनेश की भी दवाई ली है। आप सब ने दुआ करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को वॉच करें। पानी और दूध उबल चुके हैं, मैं चीनी पत्ती डाल रही हूँ और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ साथ रोटी भी बनाऊँगी। फैमिली में जा रही हूँ उमर को लेने के लिए, स्कूल से 11:30 बजे छुट्टी होती है। क्या छुट्टी हो गई है स्कूल को? फैमिली हम बना रहे हैं बैंगन का भरता, कुछ मैंने जला लिए हैं और कुछ जो है ना अभी जल रहे हैं चूल्हे पर। तो प्याज की कटाई करते हैं, टमाटर वगैरह, उसके बाद फिर इनको तैयार करेंगे बैंगन के भरते को, क्योंकि बैंगन का भरता बहुत पसंद है इनको। सालन कोई नहीं खाता तो बैंगन का भरता ज़्यादा पसंद करते हैं, आज वही बनाएंगे। तो बैठी फैमिली आज थोड़े से पकौड़े बना रहे हैं। आज तरबूज वगैरह नहीं लेंगे आज पकोड़े। मोमल ने कहा है कि आज पकोड़े बनाए, पकोड़े पे दिल कर रहा है तो आज पानी बनाएंगे और पकोड़े बस। बैंगन मैंने जला के रख दिए हैं, फिर रोज़े के बाद ही जो है ना मैं बनाऊंगी, रोज़ा खोल के उसके बाद ही सालन बनाऊंगी। सब मसाला तैयार हो गया है और मैंने डाल दिया है इसमें बैंगन। इसको अच्छे से खूब इसको भून के तो फिर उतारूंगे। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छा जी मसाला तैयार कर रही हूँ भरते के लिए। प्याज गरम करके नमक मिर्च तो हल्दी भी डाली है, थोड़ा सा लहसुन अदरक डाला है, उसको भून के अभी मैंने डाले हैं टमाटर। इसको अच्छे से भून के फिर इसमें डालूंगी मैं बैंगन। और ये है हमारी चटनी और ये है पकौड़े रोज़ा खोलने के लिए। अच्छा जी भरता मैंने भून लिया है और अभी डाल रही हूँ मैं धनिया और हरी मिर्च काट के। इससे मज़ीद और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है जब धनिया और हरी मिर्च काट के डालते हैं ना, तो बहुत ही मज़े का बनता है। जी भरता तैयार हो गया है, बहुत ही मज़े का है, माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना है। फैमिली हमारा आज का व्लॉग यहाँ तक था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। हमारी दुआ है आप जहाँ रहे हंसते मुस्कुराते रहे अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें।
तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।